बिहार की शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था बदतर हालत में पहुंच गई है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस कदर पिछड़ गया है कि इसे जीवित करने में दशकों लग जाएंगे। ये कहना है द हिंदू दैनिक अखबार के रेजिडेंट एडिटर वर्गीज जॉर्ज का। वर्गीज जॉर्ज पटना कॉमर्स कॉलेज में आयोजित के सिन्हा स्मृति व्याख्यान में बोल रहे थे। व्याख्यान का विषय था बिहार एंड इट्स चैलेंज इन द हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स। In upper primary school, I remember my past teacher coming to the class and crying. And later on, we learned that she was scolded for arriving late to school. I do not want to delve deep into that question, but this is something that strikes me very hard. And I occasionally read reports about surprise inspections and promise of action by commissioners or ministers. But the culture of absenteeism continues to corrode the public education health sectors. It's not only education health sector, is also quite in the grip of this very bad influence or practice that is particularly bad in Bihar. And in a poor state like Bihar, public funded health and education is the first and most essential step towards all other development goals. बताते चले कि जाने माने अर्थशास्त्री समाजसेवी प्रोफेसर के सिन्हा के स्मृति में शनिवार को उमा सिन्हा फाउंडेशन एवं कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस की ओर से 11वीं स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया था। व्याख्यान में बिहार के जाने माने अर्थशास्त्री शिक्षक समाजसेवी एवं छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद थीं। कार्यक्रम की शुरुआत के सिन्हा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करने के बाद दीप प्रज्वलन से हुई। आयोजकों ने आगंतुक अतिथियों को पौधा देकर उनका स्वागत किया। मंच पर वर्गीज जॉर्ज के साथ चर्चित अर्थशास्त्री प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी, कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद राय, प्रोफेसर उमा सिन्हा के अलावा कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि प्रोफेसर उमा सिन्हा ने कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग को इस मौके पर 5,00,000 रुपये की राशि छात्र कल्याण कोष में दान की और कहा कि युवा वर्ग ही देश का भविष्य है, युवकों को ज्ञानवान और शीलवान बनाना हमारा कर्तव्य है। विमर्श न्यूज़, पटना।